प्रिया धीर, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। काबुल हमले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बोले, ब्लास्ट ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाई। बसपा सुप्रीमो मायावती बोली, यूपी में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिलते हैं, उनका कोई जनाधार नहीं, देश में कांग्रेस की बुरी हालत है। पिथौरागढ़ जिले के बुलवा कोट गांव में फटा बादल, मलबे में दबी एक महिला। मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर का बदलेगा नाम, रखा जाएगा कुश भवनपुर। सीएम अशोक गहलोत को लाया गया एसएमएस अस्पताल, बता दें कि सीने में भारी बन और थकावट की थी शिकायत। सीएम अशोक गहलोत की एसएमएस अस्पताल में होगी एंजियोप्लास्टी। काबुल में पहली बार तुर्की और तालिबान के बीच हुई बातचीत। यूपी में प्रियंका का योगी सरकार पर तंज, कहा बीजेपी ने नौकरी देने के झूठे होर्डिंग लगवाए थे। 1 सितंबर से 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए खोले जा सकते हैं स्कूल, एसओपी हुआ जारी। भारी बारिश की वजह से देहरादून ऋषिकेश ब्रिज हुआ ध्वस्त। नवजोत सिंह सिद्धू ने दी चेतावनी, कहा पंजाब में फैसले लेने की खुली छूट नहीं दी गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर मलविंदर सिंह माली ने दिया इस्तीफा। टीएमसी ने लगाया आरोप, हमारे कार्यकर्ताओं पर त्रिपुरा में बीजेपी वर्कर्स ने किया हमला। काबुल एयरपोर्ट का संचालन कर सकता है तुर्की, तालिबान संग हुई बातचीत। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।